हेलो, वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आप सभी का क्रिकेट 22 करियर मोड के एक और नए एपिसोड में। तो पिछले एपिसोड था गाइस, आप लोग ऑलरेडी देख चुके हो कि हमारा चल रहा है यहाँ पे टेस्ट नंबर 5, जो कि है डिसाइडर इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। और उसमें जो है इंग्लैंड ने टॉस जीतकर भारत को बल्लेबाजी के लिए यहाँ पे पहले न्यौता दिया है, जिसमें डे वन की ऑलमोस्ट हम लोग बैटिंग कर चुके हैं, लाइक एक सेशन सर्वाइव कर चुके थे, जिसमें मैं खेल रहा हूँ 86 नॉट आउट, 145 गेंदें खेल चुका हूँ। बाकी हम लोग गाइस फील्ड पर चलते हैं, फिर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल्ड में जो है स्कोर कार्ड दिखाऊंगा। तो ऑलराइट गाइस, यहाँ पे शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। सेकंड सेशन आई थिंक चल रहा है, लेट मी चेक। 50 ओवर डाले जा चुके हैं और ये चल रहा है गाइस डे वन सेकंड सेशन। तो पहला सेशन यहाँ पे समाप्त हो चुका है और पहले सेशन में भारत ने लगा दिए 196 रन 3 विकेट नुकसान पर। फिलहाल गाइस हमारे साथ है हनुमा विहारी, क्रीज पर मौजूद। पहली गेंद अंदर की तरफ, क्रिस वोक्स यहाँ पर विकेट लेने की तलाश में है, क्योंकि वो जानते हैं, मैंने आपको पिछले एपिसोड में बोला था कि ब्रेक्स लेकर जब हम आते हैं दोबारा से खेलने के लिए तो कंसंट्रेशन ऑब्वियसली वो टूट जाता है। तो कम से कम शुरुआत के 5 से 6 ओवर अपने को टाइम लेके टाइम बिता के खेलना पड़ेगा क्रीज के ऊपर, अदरवाइज यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है विकेट जाने का। फिलहाल गाइस हम 86 में खेल रहे हैं और मैंने बोला था कि शायद हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट डे में शतक लगाने का। यहाँ पे आए ऑलमोस्ट 14 रन दूर है हम शतक से, तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए। यहाँ पे लगातार आप देखिए वो बाहरी गेंद यहाँ पे ट्राई करा रहे हैं, ड्राइव कराने का प्रयास करा रहे हैं बल्लेबाज को, वो ललचा रहे हैं उस गेंद पर, लेकिन अपने को वही नहीं करना। लाइक पिछले सेशन में आपने देखा ही होगा, पिछले एपिसोड में किस तरीके से भाई बाल बाल हम बचे थे भाई ड्राइव लगाने में। ये देखिए इस बार कटर गेंद हल्का सा पड़ने के बाद बाहर की ओर निकली और भाई साहब चकमा खा गए थे हम, वहाँ पर फ्लिक करना चाहते थे लेकिन कोई भी मौका नहीं। सीधा भाई साहब लेग मतलब स्लिप के हाथ में गया, आप देख रहे हो कितना ज्यादा मूवमेंट था उस वाली बॉल में। चलिए इस बार हल्के से अंदर की तरफ आती हुई, इस बार गैप में है, नहीं बढ़िया कॉल वहां पे हनुमा बिहारी का, रिस्की होता अगर यहां पे जो है सिंगल की तरफ जाते। और हूट सुनिए आप, क्राउड का साउंड सुनिए एक बार, आपको अंदाजा लग रहा होगा कि कितना क्रूशियल मैच है ये। सीरीज वही नाम करेगा जो ये मैच जीतेगा, ये बात आपको ऑलरेडी पता है। तो कितना ज़्यादा प्रेशर है यहाँ पे दोनों टीम्स के ऊपर और दर्शक यहाँ पे चाहते हैं पर्टिकुलर टीम के कि उनकी टीम जीते। लाइक भारत के दर्शक चाहते हैं यहाँ पे कि भारत की टीम जो है इंग्लैंड को हरा के इंग्लैंड में वो जो सेक की लड़ाई है, वो इज्जत की लड़ाई है और वो जो WTC चैंपियनशिप में जाने वाली लड़ाई है उसको जीते यहाँ पे भारत। चलिए इस बार थोड़ा सा बाहर गए तो उसको गैप में डाला है कवर्स की तरफ, एक रन मिल जाएगा, बढ़िया रनिंग विद द विकेट्स। फाइनली आज के जो डे कवर सेशन का पहला रन आता हो यहाँ पे भारत के लिए और हमारे लिए। यहाँ पे हनुमा बिहारी को स्ट्राइक दी है, बाय द वे हमने 21 बॉल खेल रहा है, अच्छा खेल रहा है। एक लंबी पार्टनरशिप चाहिए मुझे यहाँ से, 300-400 अगर रन लगा देती है भारत यहाँ पे लाइक पहली इनिंग में तो फिर जो है इजी होगा भारत के लिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इंग्लैंड चेस नहीं कर सकती, क्योंकि पिछला टेस्ट मैच हराया भाई, चौथा टेस्ट मैच, ये नहीं भूलना अपने को इंग्लैंड ने। और वो जबकि लग रहा था भारत के पूरे पलड़े में है और लास्ट में जाके डे 4 में पूरा मैच पलट दिया इन लोगों ने, भाई इनका भरोसा नहीं है यार, लिटरली ना इनकी बैटिंग का भरोसा, इनकी बोलिंग का भरोसा है। जब तक जीत नहीं जाए हम लोग तब तक हम मानते नहीं है भाई। ये देखिए इस बार कट शॉट निकाला था पॉइंट की तरफ से, लेकिन सीधा पॉइंट के फील्डर के हाथ में, कोई मौका नहीं। बाय द वे भाई हम लोग ऑलमोस्ट 25 ओवर खेल चुके हैं गाइस, 154 गेंद 88 रन, इजी बॉय बाहर की तरफ इस बार लीव करेंगे, बढ़िया बॉल हल्का सा स्विंग होकर अंदर की तरफ, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि रिवर्स होना चालू हो चुकी है गाइस यहाँ पर, रिवर्स स्विंग कम्स इन पिक्चर, बी कार्स की हल्का सा रिवर्स हो रही है। ये देखिए सीम बाहर की तरफ है लेकिन पढ़ने के बाद अंदर की तरफ आ रही है गेंद, तो रिवर्स स्विंग भी हो रही है गाइस, क्योंकि 54 ओवर डाले जा चुके हैं और पिच भी थोड़ा सा पुरानी हो रही है, गेंद तो ऑब्वियसली पुरानी हो चुकी है। इजी बॉय, एक और लीव, बढ़िया लीव कर रहे हैं फिलहाल तो हम, लेकिन लगातार लीव करना होगा बाहर की गेंद को, बिकॉज हम वो रिस्क नहीं लेना चाहते यार। बाहर की गेंद बल्ला लगाना मतलब मौत को नहीं होता देना है, उसके बराबर है। तो ये देखिए इस बार बाहर निकाला, जो लगातार इन स्विंग डाल रहे थे इस बार कटर डाला, इस बार लेग कटर, और देखिए मूव कर पड़ने के बाद बाहर की तरफ निकली गेंद। यही बात कर रहा हूँ मैं, बी कार्स की काबिलियत, फिलहाल मैडन ओवर डालते हुए लेट्स सी क्या सिंगल निकाल पाऊंगा मैं, जी नहीं। तो ये मैडन ओवर बेहतरीन ओवर जाता हो इंग्लैंड के लिए, 55 ओवर 207 3 विकेट नुकसान पर भारत, हनुमा बिहारी आएंगे स्ट्राइक पर यहाँ पे, बी कार्स मुश्किलें पैदा करते हुए फिलहाल भारतीय बल्लेबाजों के लिए। अब चैनल देखिए आप, लाइक टप्पा देखिए आप किस चैनल पे लगातार गेंदबाजी कर रहे हैं, तो प्रॉब्लमेटिक है वो लाइन थोड़ा सा बैट्समैन के लिए।
इजी आराम से हनुमा बिहारी वहाँ पे कैचिंग पोजीशन के लिए हमीद को लगा रखा है कप्तान जो रूट ने, अटैकिंग कप्तानी, माइंडसेट काफ़ी क्लियर है इंग्लैंड का कि यहाँ पे विकेट्स के लिए जाना है, रन बचाने के लिए नहीं सोच रहे वो लोग, लिटरली विकेट्स जाने के लिए सोच रहे हैं। इस बार बढ़िया फ्लिक मारा है हनुमा बिहारी, बेहतरीन शॉट और उसको क्लियर करेंगे फैंस, वो चार रन मिलेंगे, बढ़िया शॉट और प्रेशर को जो है रिलीज करेगा वाला शॉट। आज की पहली बाउंड्रीज आती हुई इस दिन की, क्रिस वोक्स हल्का सा खराब गेंद पड़ने के बाद थोड़ा सा लेग स्टंप पर के एकदम स्टंप के सामने थोड़ा सा बाहरी तरफ निकाला स्विंग करा के, लेकिन उतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं कि वो स्टंप पर आ पाए, तो एकदम मिडिल स्टंप पर गेंद थी जिसको आराम से फ्लिक कर दिया है लेग साइड की दिशा में, गैप है काफ़ी बड़ा मौजूद वहाँ पे। ओ बढ़िया वापसी यहाँ पे क्रिस वोक्स, हवा नहीं लगी थी इस बार हनुमा बिहारी को, हवा से बातें करता हूं उनका बैट। चलिए फिलहाल गाइस हम आ चुके स्ट्राइक पर, 88 रन, लेट्स गो बॉयज एंड गर्ल्स, तैयार हो जाइए, यहाँ पे शायद शतक आ सकता है, कोशिश है हमारी बट जल्दबाजी नहीं करेंगे कोई भी, सीधा फील्डर के हाथ में आराम से बढ़िया से रन बनाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, विकेट नहीं फेंकनी है भाई क्योंकि सेट बैट्समैन है अभी, अपने अराउंड जो है बैटिंग चलानी मुझे भारत की। कैप में जाएगी तो हम सिंगल लेंगे, अदरवाइज नहीं, एक रन के लिए भाई रन आउट नहीं हो रहा है, पिछले मैच में ऑलरेडी हो चुके हैं और उसका परिणाम जो है भुगता है वहाँ पे। कप्तान का विकेट बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, यहाँ पे आप समझ ही सकते हो ये चीज़ कि पिछले मैच में लाइक हमारा ही रन आउट हुआ था, वहाँ से मैच पलट दिया था इंग्लैंड ने और लाइक जीत लिया था इंग्लैंड टेस्ट। लीव करा तो बहुत ज़्यादा बाहर, वाइड होगी क्या जी? नहीं, वाइड तो नहीं देंगे फिलहाल अंपायर, और फिर से मेडन ओवर डालने का प्रयास है, तीन बॉल डॉट लगातार, इजी और सीधा सवाल लॉन्ग ऑफ के फिटर के हाथ में, कोई मौका नहीं, एक और डॉट गेन, एक सिंगल निकाल सकते हैं क्या फ्लिक करके, बट ऑफ साइड डालेगा तो फिर कट मारूंगा मैं, गैप दिख रहा है मुझे बट उतना बड़ा नहीं है, और हाथ में लगी है यार, एल्बो में लगी है गाइस, डबल रन की मांग है यहाँ पे, दो रन मिल जाएंगे, मैं आपको दिखाता हूँ रिव्यू में, एक्चुअली हमारे हैंडल में पता नहीं कहाँ पे लगी है बॉल, दिखाओ जरा रिव्यू दिखाओ भाई, काफी ज्यादा दर्दनाक, ओहो कहाँ लगी है, ओके समझ गया मैं, यहाँ पे लगी है, अरे भाई बेसिकली यहाँ लगी है हमारे थाई के आसपास कहीं लगी है, मतलब थाई नहीं, थाई तो यार नीचे, सॉरी मैं थाई बोल रहा हूँ, जो चेस्ट है ना, चेस्ट जो हाथ के नीचे लगी है हमारी, ये देखो भाई बहुत भाई चोटें अपने को लिटरली बहुत ज़्यादा लगी हैं, ये देखिए उसको जज नहीं कर पाए, एक्चुअली थोड़ा सा एक्स्ट्रा अनइवन बाउंस, उसको जज ही नहीं कर पाए हम, मुझे लगा शायद हेलमेट में जा रही है भाई, मुंह बच गया हमारा, शायद जाके सीधे चेस्ट में टकराई है और उसके बाद जो है वो अपर वाले चेस्ट वाले एरिया में लगी है, देखो आवाज़ भाई जिस तरह की लगी, मुझे हड्डी में जाके लगी है, यहाँ पे थोड़ा ट्रीटमेंट लेना पड़ सकता है अपने को, फिजियो को बुलाया जाए क्या गाइस? मुझे लग रहा है शायद फिजियो को बुलाना पड़ेगा अपने को, लेकिन ठीक है फिलहाल ओके है, टी ब्रेक में जो है जाएंगे फिजियो के पास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हल्का सा वो जो है स्प्रे मारना पड़ेगा, चोट आई है, चलिए इस बार हल्का सा पैरों पर आई थी तो उसको फ्लिक कर दिया है, बेहतरीन टाइमिंग, शायद रोक लेंगे चौका, बेहतरीन फील्डिंग, तीन रन मिल जाएंगे और शायद चार भी, नहीं चार रेस्क्यू हो जाएंगे, तीन रन के साथ यहाँ पे संतोष करना पड़ेगा। इसी के साथ ओवर की समाप्ति गाइस, एंड 216 तीन विकेट 57 ओवर के बाद भारत है। ऑलराइट गाइस, यहाँ पे क्रिस वोक्स 14th ओवर लेके आते, थोड़ा सा लंबा स्पेल डलवाया जा रहा है यहाँ पे कप्तान के द्वारा इनसे, लाइक सेकंड स्पेल में आए थे यहाँ पे क्रिस वोक्स और एक विकेट लिया है, अभी तक सफलतम गेंदबाज रहे हैं इंग्लैंड की तरफ से, एक विकेट लेकर यहाँ पे 47 रन दिए हैं 14th ओवर, अब लेट्स सी किस तरीके से हम अभी टैकल करते हैं क्रिस वोक्स को, क्योंकि यार अभी भी हम 12 रन दूर हैं गाइज अपने शतक से, अपने सेंचुरी से, 12 है कि 9 रन दूर हैं, माय बैड, 167 गेंद खेल चुके हैं, मार सकता हूँ भाई साहब मैं अगर मेरे आर्क में आती है गेंद,
इस बार खैर थोड़ा सा ऊपर रखा था उसको और ड्राइव करना चाहते थे गैप में, बट उतना ज्यादा टाइमिंग मिला नहीं इस बार गेंद पर। हल्का सा गति को पीछे खींचा था 136 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तो मुझे लाइक आर्क में चाहिए गेंद। अगर आर्क में आती है तो एक टपा सकते हैं हम सिक्स के लिए, सिक्स नहीं तो बनवाओ चौका तो मिल ही जाएगा। चलिए इस बार जो है डाली थी यहाँ पे शॉर्ट पिच बाउंसर और पहले ही मन मना लिया था उस सफल करके, थोड़ा सा आउटसाइड ऑफ स्टंप पर आ गए थे एंड क्या ही घुमाया इस बार पुल शॉट, व्हाट अ शॉट। ये देखिए कंट्रोल में एकदम, और कितना दूर मारा है इसको, बहुत लंबा। बी कार से भी सोच रहे होंगे भाई कैसे मारा है वाला शॉट, मैं रिप्ले में स्लोमो में दिखाता हूँ बाय द वे आपको, एंजॉय करिए आप ये वाला शॉट, बेहतरीन शॉट है ये गाइस। ये तो खैर पूरा आपको स्पीड में दिखाया है भाई साहब, लेकिन अलग लेवल। थोड़ा स्लोमो में आ जाओ भाई, ये देखिए शॉर्ट पिच डिलीवरी और पहले ही पोजीशन में विराट कोहली लाइक स्टाइल मुझे लग रहा है, थोड़ा सा विराट कोहली पहले मारते थे काइंड ऑफ शॉट, पुल मारते थे ना विराट कोहली एकदम आउटसाइड ऑफ स्टंप सफल करके, फिर उस तरीके के शॉट खेलते थे विराट कोहली। ये देखिए ये नटराजन टाइप शॉट, वो ये नटराज टाइप शॉट, रोहित शर्मा भी खेलते हैं वायदा भी ये शॉट ऐसा। ये देखिए रोहित शर्मा भी मारते हैं वाला शॉट भाई, क्या शॉट है ये बेहतरीन। वायदा भी एकदम मिडिल करा राइट राइट अपने गेंद को, पर कितना ज्यादा आउटसाइड ऑफ स्टंप हम आ गए थे वो करके सफल कर दिया था हमने। परफेक्ट तो नहीं कहूंगा क्योंकि एकदम मिडल नहीं करा है, लेकिन ठीक है एक बढ़िया शॉट है यहाँ पे। ये देखिए नटराजन वाला पोज में आ गए एक टांग पर, क्या ही बेहतरीन छक्का लगाया है यहाँ पे, बढ़िया शॉट बढ़िया टाइमिंग, 6 रन मैक्सिमम और 3.86 का यहाँ पे रन रेट आ चुका है गाइस, 225 रन 3 विकेट नुकसान पर 58 ओवर के बाद भारत। ओ जी हाँ ओके क्लियर करेंगे, फाइन लेग था पीछे लेकिन थोड़ा सा बाउंड्री जो है शॉर्ट है और इसीलिए जो है क्लियर करके छक्का मारेंगे। 6 छक्के 8 चौके, 61 का स्ट्राइक रेट, 170 गेंद 104 रन, बेहतरीन इनिंग एक नॉक बोल सकते हैं आप कप्तानी पारी यहाँ पे। ये वाला शॉट भी बहुत बेहतरीन लाइक पहले से ज्यादा बेहतर। ओह डबल छक्के भाई, डबल पुल शॉट, दिखाओ 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 दिखाओ, फिर से सेम काइंड ऑफ शॉट पर डिलीवरी और सेम काइंड भाई, बिल्कुल एक्शन रिप्ले कह लो आप, बस इतना ही अंतर था कि वो थोड़ा सा लेग साइड पर गया था, ये बहुत ज्यादा फाइन गया है फाइन लेग के ऊपर से। बस एक और मारा उठा के, वहां पे फील्डर नहीं है मौजूद, क्या एक और छक्का होगा, वन बाउंस चौका मिलेगा इस बार। थोड़ा सा जो है टाइमिंग उतनी हो नहीं भाई परफेक्ट, वरना ये भी भाई छक्का ही मिल गया तो ऑलमोस्ट भाई, क्या शॉट है ये, तीन के तीन लगा बेहतरीन शॉट मारे हैं यहाँ पे और इसके साथ 72 में पहुंच गए यहाँ पे बी कार्स, 2 छक्के 1 चौका, 6, 4, 10, 4, 14 नहीं 16 और 17 रन आ चुके इस ओवर में, 17 रन ओवर से फिलहाल और ये वाइड गेंद 18 रन ओवर से, और अभी भी कितनी गेंद बाकी है, 2 गेंद अभी भी बाकी है गाइज, क्या और बड़े शॉट आ सकते हैं। इस बार ड्राइव मारा है लेकिन गैप में नहीं, सीधा फील्डर के हाथ में, लास्ट गेंद है, 18 रन ऑलरेडी आ चुके हैं, एक छक्का और आता है तो 24 रन आ जाएंगे। चलो 2 रन आ जाएंगे, 20 रन आ सकते हैं इस ओवर से, तो 20 रन आए गाइस इस ओवर से बी कार्स के 59th ओवर से, काफी बड़ा ओवर टेस्ट मैच के हिसाब से। और उसी के साथ आप शॉट्स देखिए भाई, अरे यार एक एक टांग पे शॉट लगाए लिटरली, व्हाट अ शॉट, पूरा फ्लेक्स करा है। इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता होगा, इस सेकंड सेशन डे वन का, एंड अब हम आ जाएंगे डे वन थर्ड सेशन। और चलिए भाई साहब थोड़ा सा इलाज विलाज करवाएंगे हम यहाँ पे फिजियो से, बहुत चोटें आएंगे लिटरली अपने को, बहुत पड़ी है भाई, मैं ही जानता हूँ भाई कहाँ कहाँ खाई है मैंने बॉल। ये देखिए भाई कुछ बेहतरीन बेहतरीन शॉट आपको लगातार, ये देखिए ये 2 तो भाई खैर अल्टीमेट थे, एकदम प्रीमियम थे और मज़ा आ गया लाइक। चलिए गाइस यहाँ पे हम आ चुके हैं थेरेपी पीरियड में, थोड़ा सा वो मूव लगवा के स्प्रे वगैरह लगवा के अपने चेस्ट वगैरह में एंड एल्बो में भी, काफ़ी बाउंसर पड़ी है भाई इसीलिए वो खुन्नस थी थोड़ा सा बाउंसर के खिलाफ, इसलिए 2 छक्के और 1 चौका मारा बाउंसर कप में।
वो भाई लोगों ने मारी यार ना अपने को, थोड़ा सा खुन्नस भर गई थी बाउंसर बॉल के खिलाफ। चलिए सिंगल ही ठीक है, अनुभव बिहारी को ही देंगे स्ट्राइक यहाँ पे। 111 पहुँच चुके बाद अभी हम 174 गेंदों में, और ब्राइडन कार्स आ चुके हैं यहाँ पे गेंदबाजी के लिए बी कार से। लाइक थर्ड स्पेल में लेके आया गया है इनको, एक विकेट लिया है, 75 रन इन्हीं की कुटाई करी थी हमने बेसिकली। इस बार एकदम ऊपर वाली गेंद, ओवर पिच डिलीवरी, उसको आराम से ढकेल दिया है कवर्स की तरफ, दो रन मिल जाएंगे आसानी से। चलिए बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स। आज को जो पूरा डे है ना गाइस, वो तो हम पचा जाएंगे, अब डे थ्री आराम से पचा जाएगी, क्योंकि पूरा बैटिंग पिच है और अपने को रन चाहिए होंगे इस पिच के ऊपर अगर मैच जीतना चाहते हैं हम लोग तो, वरना फिर भूल जाइए आप, ये वाला मैच आसान नहीं होगा जीतना। इजी बॉय ड्राइव मारना चाहते थे यहाँ पे, बट वो बीट नहीं करेगी, वो नहीं जाएगी गैप के अंदर। ये देखिए हूटिंग करते हुए लगातार इंग्लैंड का क्राउड, और चाहता अपनी टीम को जिताना, क्यों नहीं भाई, भारत का चाहता अपनी टीम को जिताना, तो फिर इंग्लैंड का भी चाहेगा ही कि उनकी टीम जीते। स्टिक्स की लड़ाई और काफ़ी ज़्यादा वो ड्रामेटिकल सीरीज हुई ना गाइस, तो उससे बहुत ज़्यादा रोमांचक बन गई है टेस्ट सीरीज। मतलब जनरली क्या होता है कि एक फ्लो में चलती है टेस्ट सीरीज, लाइक दो टेस्ट मैच, तीन टेस्ट, लेकिन ये पूरा ड्रामेटिकल चली है सीरीज। दो टेस्ट मैच यहाँ से जीता है, किस कहाँ से आके फोर्थ टेस्ट मैच जीता है इंग्लैंड ने, एंड अब देखो डिसाइडर में है दोनों के दोनों अभी। और पहला मैच हम हारे थे गाइस सीरीज का, ये भी देखो हम लोगों ने भी वापसी करी है, अगर इंग्लैंड ने बाउंस बैक करा है तो हम लोगों ने भी बाउंस बैक करा है। तो दोनों टीम भाई क्या बोलूं मैं, अलग लेवल पे खेली है अभी, और यही खूबसूरती है गाइस टेस्ट क्रिकेट की, कि जब फाइटिंग स्पिरिट मिले ना तो मजा आता भाई लिटरली टेस्ट मैच खेलने में। तो फाइटिंग स्पिरिट दिखनी चाहिए सामने वाली टीम की, और वो दिखी यहाँ पे इंग्लैंड ने, क्योंकि भाई इंग्लैंड ऑब्वियसली होम ग्राउंड पे खेल रही है यार, एक बेइज्जती वाली बात हो जाएगी उनके लिए कि अगर होम से लाइक कोई टीम उससे सीरीज छीन के जाती है। अब मान लो सीरीज हारते भी हैं वो लोग, बट वाइट वॉश नहीं हुआ है इंग्लैंड का तो, और दिखाया है कि कैसे वापसी करते हैं इंग्लैंड ने, कैसे बाउंस बैक करते हैं। और अभी कुछ नहीं बोल सकते हम भाई, गई मैं पहले से अब कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, मैं कोई बयान नहीं देना चाहूँगा अभी मीडिया में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह में कि हम टेस्ट मैच जीत रहे हैं या कुछ। फोकस हमारा यही है, पहले हम जीते फिर हम बात करेंगे, फिर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गाइस। चलिए यहाँ पे फिलहाल निकाला ड्राइव और दो रन मिल जाएंगे आसानी से, बढ़िया रनिंग विद द विकेट्स। बासठ ओवर डाले जा चुके हैं गाइस यहाँ पे, 63 में ओवर डाला जा रहा है, 3 विकेट के नुकसान पे यहाँ पे, और इस बार सीधा कदमों पर मार सकते थे अगर गैप में जाती, चौका मिल सकता था अपने को। 246 पहुंच चुकी है, 250 रन होने वाले हैं गाइस भारत के, अब यहाँ से 350 के ऊपर ही देख रहा हूँ मैं लीड, और एक वो अच्छा लीड होगा हमारे लिए, थोड़ा सा मैं जो एक्सेलरेट करना चालू करूँगा गाइस। चलिए इस बार फिर से बाउंसर शॉर्ट पिच डिलीवरी, तैयार है हम गाइस बाउंसर्स के लिए, बीकार से थोड़ा सा टॉप एज लगा है, लेकिन उतना पावर था शॉट में कि क्लियर करेगी छक्के के लिए, बढ़िया शॉट यहाँ पे कप्तान का, व्हाट अ शॉट, बहुत ऊंची गई है भाई, बहुत लंबी भी, 18 लंबी ज़्यादा नहीं है, 89 मीटर का छक्का है, बट बहुत ऊंचाई थी, ऊंचाई बहुत ज़्यादा पकड़ी थी शॉट पे। इस बार सीधा लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, इस बार लंबी भी गई और दूर भी और ऊपर भी, सीधा थर्ड टीयर के ऊपर डिपॉजिट कर इस बार गेंद को, व्हाट अ शॉट, इस बार थी ओवर पिच गेंद बी कार्स की, थोड़ा सा ऑफ साइड पर, और पिक करा उसको पहले ही, ये लीजिए एकदम पावर जनरेट कर रहा है, व्हाट अ शॉट, ऐसा लगा एक टाइम पे ग्रेविटी से बाहर जा रही है वाली बॉल, बेहतरीन छक्का 127 मीटर का। चलिए इस बार एक कवर्स के ऊपर से, व्हाट अ शॉट, बैक टू बैक छक्के यहां पे, छक्कों की बरसात कर दी है कप्तान ने, और मनसा क्लियर कर दी है अब कि वो रन चाहिए, कदमों का इस्तेमाल यहां पर, और एक्स्ट्रा कवर्स के ऊपर से आराम से क्लियर करेंगे बाउंड्री को, क्योंकि कोई भी वहां पे डीप में है नहीं, और कप्तान समझाने, वाइस कैप्टन आई थिंक सो, थोड़ा सा बाहर गए जो रूट में भी हो सकता है किसी काम से, और इसलिए वाइस कैप्टन आके थोड़ा समझाते हो यहाँ पे बी कार्स को। 3 छक्के आ चुके गाइस लगातार फिलहाल, ओहो चौथा छक्का, कैच मार सकते हैं यहाँ पे, व्हाट अ शॉट, इस बार फिर से डाली थी शॉर्ट पिच डिलीवरी, तैयार थे हम शॉर्ट पिच के लिए, और इस बार फिर से लपेट दिया है फाइन लेग की तरफ,
उतना ज्यादा फाइन नहीं कि वो फील्डर के पास है गैप में बेसिकली। व्हाट अ शॉट बी कार से। क्या यहां पे जो है दूसरे स्टुअर्ट ब्रॉड बन सकते हैं बी कार से। चार छक्के आ चुके हैं, लेट्स गो बॉयज एंड गर्ल्स। उम्मीदें बढ़ चुकी हैं यहां पे। दो छक्के और चाहिए भाई, क्या छह छक्के मार सकते हैं हम। ओह कम ऑन, इस रिकॉर्ड से क्लियर हो जाएगा प्लीज 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 प्लीज। यस हो जाएगा क्लियर। पांच छक्के, लेट्स गो बॉयज एंड गर्ल्स। लास्ट छक्का चाहिए अपने को बस। कम ऑन भाई, विकेट देकर भी मैं ट्राई करूंगा वाला छक्का। तो भाई पहला बैट्समैन बन जाऊंगा लाइक टेस्ट मैच में छह छक्के मार रहे वाला। वो इंग्लैंड के भाई, इंग्लैंड की टीम ही क्यों आ जाती है ऐसी डेंजर सिचुएशन में। स्टुअर्ट ब्रॉड को पड़ा था इस बार बी कार से। ओ मारा भाई साहब, कम ऑन हो जाएगा क्लियर क्या। लेट्स गो बॉयज एंड गर्ल्स, छह बॉल में छह छक्के मारे हैं बी कार्स को। और लिटरली मैं नहीं सोच रहा था, तीन छक्के तो एवं ही निकल गए। वो तीन छक्कों के बाद मैं रियलाइज कर रहा है। और भाई साहब सेलिब्रेशन क्यों नहीं बनता है ये सेलिब्रेशन। छह बॉल में छह छक्के मारे हैं भाई इस टेस्ट मैच में। तीन छक्के मैंने लिटरली एवं ही मार दिए। उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ यार चौथे छक्के के बाद मैं छह मार सकता हूँ क्या। उसने भाई साहब पांचवीं बॉल डाल दी शॉर्ट पिच जिसके लिए हम तैयार थे। वो पांचवा छक्का बहुत क्रूशियल था मेरे लिए। अगर वो पांचवा नहीं लगता तो चढ़ना तो कोई मतलब था ही नहीं। सबसे टफ छक्का बोलूंगा मैं, पांचवा या चौथा मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे दोबारा से देखना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल गाइज यहाँ पे पहले बैट्समैन बन चुके हैं हम छह छक्के मारने वाले, वो भी टेस्ट मैच में। एंड बी कार्स की तोड़ाई कर दी भाई साहब, 116 रन शतक कर दिया बी कार्स का। चलिए पहली गेंद बी कार से भाई। अब तो बल्ला चलेगा यार, ऐसे ही चलेगा, अब बल्ला ऐसे ही गरजेगा हमारा भाई साहब। अब विकेट गिरी कोई दिक्कत नहीं, अभी रन चाहिए मेरे को। और इसीलिए अब जो है थोड़ा सा फास्ट इनिंग पेस करेंगे हम। और पहली गेंद छक्का लगा बी कार्स, बोलेंगे भाई डबल छह छक्के मारोगे क्या, करियर खराब खत्म करके मानोगे क्या मेरा, पता नहीं भाई। और इस बार मारा है उठा के, लेकिन मुझे लग रहा क्लियर नहीं करेंगे, वन आउट चौका ही मिलेगा। एकदम डाउन द ग्राउंड, व्हाट अ शॉट बॉलर के सर के ऊपर से। ये देखिए अब तो आज तोड़ाई चल रही है, रन चाहिए यहाँ पे भारत को। और हनुमा बिहारी वहाँ पे थोड़ा स्लो खेल रहा है, इसीलिए मैं जो है रन रेट बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। 300 करते हैं गाइस फटाफट हम। इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर से क्लियर करेंगे, बेहतरीन शॉट, छक्का यहाँ पे। व्हाट अ शॉट बीकार से। फिर से महंगा ओवर जाता हूँ, पिछले ओवर छह छक्के खाए थे यहाँ पे, और अगला ओवर लेके आते हैं यहाँ पे ऑलरेडी छह चार छह, एक छक्का एक चौका एक छक्का खा चुके हैं यहाँ पे बीकार। 171 पहुंच चुके हैं गाइज, कहाँ पे हमारा स्ट्राइक रेट था इतना नीचे, और फिलहाल ऊपर आता हुआ गाइज। इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से ये लीजिए, फिर से ओवर पिच डिलीवरी, ऊपर रखेंगे यहाँ पे लगातार गेंद, तो मार खाएंगे यहाँ पे बी कार से। और गति देते हो यहाँ पे, गति का इस्तेमाल, बॉलर की गति का इस्तेमाल। व्हाट अ शॉट, व्हाट अ नॉक, और क्या ही बेहतरीन तरीके से क्लियर कर रहा है इस वाले शॉट को। 190 में 170 गाइस, क्या 200 मार सकते हैं, मैं 200 देख रहा हूँ। ओ नहीं नहीं नहीं, इस बार एलिवेशन मिलेगा नहीं, लेकिन तब भी क्लियर कर जाएंगे बाउंड्री के लिए, फाइन लेग की तरफ। व्हाट अ शॉट, व्हाट अ बाउंड्री। थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करा था साइड को, राउंड द स्टंप आए थे और खराब डिलीवरी, इसको लेग साइड पर रखा, उसको सिर्फ दिशा दिखाई है। बढ़िया कलाई का इस्तेमाल, बेहतरीन फ्लिक। 181 गाइज, लेट्स गो बॉयज एंड गर्ल्स। 21 कितने चाहिए, 29 रन और चाहिए, कितने चाहिए पता नहीं। ओहो यहाँ पे बीट कर जाएंगे। चलिए एक टाइम मुझे लगा शायद जो है मुश्किल होगा बीट करना, बट आराम से बीट कर जाएंगे भाई। पावर हिटिंग शॉट गेम चल रहा है अभी, हम इनका पूरा पूरा जो अटैकिंग फील्ड है ना, हम अटैक मानेंगे अभी। हाँ बिल्कुल भी खुश नहीं वहाँ पे कप्तान जो कर रहे हैं, लाइक जरूर मुझे लग रहा है बाहर गए हैं, नहीं अभी अवेलेबल। और जरूर जब आएंगे बोलेंगे ये क्या हुआ भाई, मैं 250 पे छोड़ के गया था, तुम लोग 300 करवा लिए। यहाँ पे कुटाई हुई एकदम से, इजी बॉय। ओली रॉबिन्सन को लाया गया गाइस यहाँ पे गेंदबाजी के लिए, अच्छी गेंदबाजी करी है। 8 ओवर में 41 रन, एक विकेट, 4.72 का रन रेट पहुंच गया गाइस। कहाँ हमारा 3.4 सम, 3.5 का चल रहा था, एंड हमने एकदम से जो एक्सेलरेशन करा है और लगातार करते रहेंगे, क्योंकि भाई मैच टू मैच मुझे रन चाहिए अभी। सेकेंड डे में हम जो है हम नहीं चाहते सेकेंड डे हम पूरा कंज्यूम करें, लाइक सेकेंड डे फर्स्ट सेशन तक हम बैटिंग करना चाहेंगे, उससे ज़्यादा नहीं।
फिर ज्यादा रन बना के क्या फायदा, अगर हम जल्दी ऑल आउट करते फिर पता चला इंग्लैंड ने अगर मन बना लिया कि हम अब ड्रॉ के लिए जाएंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी। अपने को ड्रॉ भी नहीं होना था ना, अपने को चाहिए भाई, फिर तो सीरीज ही ड्रॉ हो जाएगी अगर ये वाला मैच ड्रॉ हो गया तो। नहीं भाई गैप में बच गए भाई, इस बार कनेक्शन हुआ नहीं था एकदम भाई, लूज शॉट, बाल बाल बच्चे चौका मिला है बट खराब शॉट है ये, अब नहीं खेलना भाई ऐसा शॉट। भाई तो मैं 190 पे पहुंच चुके हैं, वहाँ पे बाल बाल चूक जाते हैं अपनी 200 रन से। पहला 200 होगा आई थिंक सो, पता नहीं पहला होगा दूसरा होगा, आई डोंट नो, कुछ याद नहीं है, देखना पड़ेगा उसके लिए। क्लियर करेंगे इस बार, फिर से डाउन द ग्राउंड मारा इस शॉट को और लगातार भाई सब तोड़ाई चल रही है अब तो। आप कहीं भी बॉल डालिए अब तो बल्ला बस घूम रहा है, ये देखिए सीधी डिलीवरी सीम और सीधा बस नका दिया है यहाँ पे, एकदम सीधा मारा एकदम सेफेस्ट एरिया उसको बोलते हैं। 199 गाइस, क्या इस बॉल पे सिंगल के साथ 200 रन पूरे करेंगे, कम ऑन। चलिए चलिए यहाँ पे मार दिया पुल शॉट और इसी सिंगल के साथ लेट्स गो बॉयज, सिंगल सेलिब्रेशन होती रहनी चाहिए। यस 200 रन पूरे 197 बॉल में, क्रूशियल मैच और ये था डिसाइडर। 101 स्ट्राइक रेट, 14 चौके एंड 16 छक्के, दैट्स व्हाट वी वांट। कप्तानी पारी 197 गेंद में 200 रन, लेट्स गो बॉयज एंड गर्ल्स। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। इस बार पुल शॉट मारेंगे क्योंकि डाला शॉर्ट बॉल और क्लियर भी करेंगे गैप में, गाड़ी रुकेगी नहीं अब, तोड़ाई चलती रहेगी जब तक तो विकेट नहीं जाएगा हमारा। वन बाउंस दिया यहाँ पे अंपायर ने, एक और बाउंस यहाँ पे डाल सकते हैं, अलाउ है बेन स्टोक्स को, पहले गेंद छक्का मार चुके हैं बेन स्टोक्स को, बैठा छक्के से शुरुआत। ओ बहुत ज़्यादा ट्रिकी बॉल ये, बेसिकली ऑफ कटर और बीट करा, लाइक मुझे लगा था कि शायद थोड़ा सा लेंथ से शॉर्ट बॉल आएगी लेकिन ऑफ कटर एकदम से कंफ्यूज करा अपने को। कनेक्शन हुआ नहीं है गाइस, डीप में पकड़े जाएंगे, क्लियर कर सकते थे बट वो थोड़ा सा बैट का हैंडल घूम गया, फ्लिक करते टाइम उतना ज़्यादा एलिवेशन नहीं मिला, डिस्टेंस मिली है गाइस बट एलिवेशन नहीं मिला। ये देखिए उसी चक्कर में जो है वहाँ पे फंसा लिया है, गति को जोर थोड़ा सा पीछे खींचा था बेन स्टोक्स ने यहाँ पे। ऑल राइट अपना काम कर दिया यहाँ पे कप्तान ने, फाइनली 206 रन की पारी, 103 का स्ट्राइक रेट, 200 गेंद में 17 छक्के 14 चौके एंड संभाल लिया है भारत को यहाँ। तो यहाँ पे स्किप मारूंगा मैं, लेट्स सी कितने रन बनाती है भारत, 400 भाई साहब। ऑल राइट मैं आपको दिखा देता हूँ एक मिनट स्कोर कार्ड, 427 रन बनाए भाई भारत ने, ये देखिए आप 427 रन एंड ये चल रहा है डे टू सेशन वन। मैंने मेरी एक्सपेक्टेशन पूरी हो गई, लाइक मुझे डे टू सेशन वन खेल जाती भारत तो अच्छी बात थी, बट आधा घंटा भी एक घंटा भी खेल लेना डे टू सेशन तो सर्वाइव कर गया, बहुत बड़ी बात है। बस 200 से हमारे रन है, देवदत्त पडिक्कल अनफॉर्चुनेट नहीं बना पाए रन आज, केएल राहुल 56 रन एक अच्छी पारी, विराट कोहली अच्छे दिख रहे थे लेकिन 34 रन के बाद आउट हुए वहां पे, हनुमा विहारी 23 रन एंड उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ 46 रन नॉट आउट, बिग थम्स अप ब्रो, 114 बॉल खेला है अभी भी नॉट आउट गया है भाई। अब नो डाउट ऑब्वियसली मेरी टीम में ऋतुराज गायकवाड़ रहने वाले हैं, जिस टाइप का परफॉर्मेंस दिया है इन्होंने हर मैच में, वो 30-40 कंट्रीब्यूशन कर रहा है बंदे ने और वो टेम्परामेंट दिखाया है टेस्ट वाला जो मुझे चाहिए। एंड ऋषभ पंत अनफॉर्चुनेट, ठीक है पिछले मैच में मारा था उन्होंने तो ठीक है कोई बात नहीं। रविचंद्रन अश्विन 65 बॉल खेली है, मेन बात ये आप हाईलाइट आई थिंक हनुमा विहारी के साथ पार्टनरशिप करी होगी इन्होंने। एंड जसप्रीत बुमराह ठीक है फिर बाकी यहाँ पे छोड़ दो, बॉलर्स आ जाते अपने। तो यहाँ पे ओवरऑल कंक्लूजन ये गाइस, 427 रन में भारत ऑल आउट हो चुकी है, 107 ओवर खेले हैं भारत ने एंड दो अभी क्या बोलते हैं सेशन वन डे टू, मतलब कि आधा घंटा पार कर लिया एक घंटा एंड आधा जो सेशन है डे वन का, डे वन सेशन वन वो खेलने वाली है इंग्लैंड। तो डे टू में अब बैटिंग आ जाएगी यहाँ पे इंग्लैंड की और जो है गेंदबाजी के लिए ओपन करेंगे हम। तो अब जो है भारत की कोशिश यही रहेगी कि जो 427 की लीड है इसको पूरा नहीं करने दें, 200-250 समथिंग में ऑल आउट कर दें इंग्लैंड को, अब बाकी देखते हैं ये लोग कितना बना पाते हैं और फिर जो है हम डे मतलब इनिंग टू में तगड़ी बैटिंग करके एक ऐसा विशाल लक्ष्य कर दें इन लोग के सामने ताकि ये लोग भाई जीत ही ना पाएं और फिर वही इनके पास ऑप्शन रह जाएगा, या तो ये ड्रॉ कराएं मैच या फिर
जीत के लिए तो वो ऑब्वियसली इनको रन बहुत ज़्यादा चाहिए होंगे। बाकी मैं ज़्यादा भी कुछ बोलना नहीं चाहूँगा क्योंकि कुछ भी हो सकता है भाई, इन लोग की बैटिंग बॉलिंग कुछ भरोसा नहीं है। तो लेट्स होप फॉर द गुड गाइज एंड डेट्स इट फॉर टुडेज़ एपिसोड। यहाँ पे भारत की बल्लेबाजी पूरी हो चुकी है, नेक्स्ट एपिसोड में हम मिलेंगे आपसे भारत की गेंदबाजी के साथ डे टू में। तो अगर ये वाला एपिसोड आपको पसंद है उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना गाइज, एंड चैनल पर नए हो तो बेल नोटिफिकेशन आइकन को जरूर से करना प्रेस ताकि मेरी वीडियो नोटिफाई हो आपको सबसे जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँ। तो मिलते हैं गाइज आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक ख्याल रखिए अपना एंड गुड बाय। और काफ़ी ज़्यादा घमासान होने वाला है नेक्स्ट एपिसोड में क्योंकि बॉलिंग है हमारी, और भाई साहब जितनी बाउंसर मेरे को मारी हैं जिन जिन ने, एक एक का नाम याद है मुझे, इनके बैट्समैन को तो मैं मारूंगा ही और उन उन बॉलर को मारूंगा। बी कार से ओली रॉबिन्सन, क्रिस वोक्स, आओ बेटा मिलो अभी तुम नेक्स्ट एपिसोड में मुझे। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट एपिसोड, तब तक ख्याल रखें अपना एंड गुड बाय।